नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं हमारा नया शो पूर्ण विराम। उत्तर प्रदेश को देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। यहां मुद्दे जब विस्तार लेते हैं तो उसका असर पूरे देश पर दिखाई देता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब उस मुद्दे पर पूर्ण विराम लगता है। एबीपी गंगा ऐसी ही बड़ी घटनाओं को लेकर आज से नया साप्ताहिक शो शुरू कर रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद अब अगली लड़ाई लोकसभा चुनाव की होगी और इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसकी झलक सियासी दल राज्यसभा के उम्मीदवारों में दिख रही है। लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि समाजवादी पार्टी किन तीन चेहरों को राज्यसभा भेजेगी। अनुमानों की लिस्ट में कभी डिंपल यादव का नाम आया तो कभी सलीम शेरवानी की चर्चा हुई, लेकिन अखिलेश ने इन अनुमानों पर बहुत जल्द पूर्ण विराम लगा दिया। जिन तीन चेहरों को समाजवादी पार्टी ने आगे किया वो अखिलेश की नई गठबंधन नीति की पहली झलक दिखाते हैं। राज्यसभा के लिए तीन नाम, अटकलों पर लगा पूर्ण विराम। अखिलेश ने राज्यसभा के लिए तीन प्रत्याशियों का ऐलान कर अटकलों और अनुमानों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। इन तीन नामों में एक नई नीति भी नजर आ रही है और अखिलेश के गठबंधन का नयापन भी दिखाई दे रहा है। हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं, आज देश किस रास्ते पर है। आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है। तो इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाए। उच्च सदन की लड़ाई से अखिलेश का 24 वाला संदेश। अखिलेश चाहते तो 11 में से 3 सीटों के लिए सपा के सिंबल पर प्रत्याशी उतार सकते थे और उनके लिए राह भी बिल्कुल आसान थी, लेकिन सपा के सिंबल पर सिर्फ एक प्रत्याशी को उतारा गया है, जबकि एक प्रत्याशी जयंत चौधरी और एक निर्दलीय कपिल सिब्बल है, और ये अखिलेश की नई गठबंधन नीति का पहला कदम है। जयंत से वादा निभाया, गठबंधन मजबूत बनाया। विधानसभा चुनाव से पहले ही चर्चा थी कि अखिलेश ने जयंत को राज्यसभा भेजने का वादा किया था और इस वादे को उन्होंने निभाया भी, लेकिन जयंत चौधरी के नाम को लेकर सस्पेंस भी काफी रहा। आखिरकार अब उस पर पूर्ण विराम लग गया है। हाँ, वचन पूरा कर दिया है जी। आप चौधरी साहब, जयंत चौधरी जी, हाँ। चौधरी साहब की हाँ। विरासत को बढ़ाएं। इस कॉम्बिनेशन ने इतना तो तय कर दिया है कि अखिलेश यादव भविष्य के चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक स्थिति में रहेंगे। सिब्बल के सहारे अखिलेश का देश की राजनीति वाला दांव। कपिल सिब्बल का नाम चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन यही नाम विरोधियों को भी चौंकन्ना कर रहा है, क्योंकि सिब्बल ने नामांकन के दिन ही कह दिया था कि लड़ाई 2024 की है और अब अखिलेश यादव की भी नजर दिल्ली पर टिक गई है। हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं। कपिल सिब्बल चूंकि समाजवादी पार्टी के समर्थन से बने हैं तो ये कहा जा सकता है कि वैचारिक तौर पर भी वो समाजवादी पार्टी की लाइन का समर्थन करेंगे। और तीन में से एक मुसलमान, अखिलेश का सबसे बड़ा प्लान। मुस्लिम वोट बैंक के सहारे समाजवादी पार्टी ने 2022 में रिकॉर्ड वोट हासिल किए हैं। अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसे बरकरार रखने की है, क्योंकि आजम खान के कदम अब समाजवादी पार्टी से दूर होते हुए दिख रहे हैं। माइनॉरिटी में कोई लीडर इस तरह से नहीं है जिसका एक डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा प्रभाव हो, तो ऐसी स्थिति में जो नाम अखिलेश ने दिया है जावेद अली का, वो नाम ही पर्याप्त है। 22 के हारे 24 के सहारे, अखिलेश का तिकड़ी संदेश।
राज्यसभा की लाल भिड़ंत सिब्बल जावेद और जयंत। राज्यसभा के तीन प्रत्याशियों में से अखिलेश यादव ने दो नाम तो एक साथ तय कर दिए, लेकिन तीसरे को लेकर टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि सवाल था कि ये तीसरा नाम जयंत चौधरी का होगा या फिर डिंपल यादव का। इस सवाल को लेकर खूब सुर्खियां भी बनी, सियासी गलियों में अटकलों का बाजार भी गर्म रहा, लेकिन ये विवाद बढ़ता रहा। उससे पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से जयंत चौधरी के नाम की घोषणा विवाद बढ़ने से पहले ही हो गई। अखिलेश और जयंत की दोस्ती विधानसभा चुनाव के दौरान खूब दिखाई देती थी। लेकिन चुनाव के परिणाम उम्मीद के विपरीत आए तो इस दोस्ती में दरार की खबरें आने लगी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले जयंत को राज्यसभा भेजने का वादा किया था। हालांकि उस वक्त दोनों नेता ये मानकर चल रहे थे कि अगर विधानसभा चुनाव जीते तो राज्यसभा में ज्यादा सीटें हाथ लगेंगी, लेकिन ऐसा हो न सका और यही वजह रही कि राज्यसभा सीट को लेकर मनमुटाव की बात कही जाने लगी। विवाद बढ़ता, गठबंधन में खटास पैदा होती, उससे पहले ही 26 मई को समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जयंत चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया गया और ऐसा करके अखिलेश ने सारे सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया। इनकी भी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि और इतिहास है कि सदैव इस परिवार ने जहां देश का नेतृत्व किया है, वहीं इस परिवार ने देश के अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ने का काम किया है। उसमें उस वरासत को किसानों की बात दिल्ली के सदन में उठाने का, देश के सबसे बड़े सदन में उठाने का मौका मिलेगा, तो इससे समाजवादी पार्टी और पूरे गठबंधन को ताकत मिलेगी। अखिलेश और जयंत की दोस्ती पर जो भी सवाल उठ रहे थे उन सभी पर अखिलेश ने पूर्ण विराम लगा दिया है और ऐसा करके उन्होंने पूरे जाटलैंड के लिए दांव चला है। जयंत ने भी समाजवादी पार्टी के ट्वीट को रीट्वीट करके नाराजगी की खबरों पर पूर्ण विराम लगा दिया। अखिलेश जी ने बहुत पहले वादा किया था और पहले से कह रहे थे अखिलेश जी के जयंत जी को राज्यसभा भेजेंगे चुनाव के दौरान ही, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। तो ये जिस तरीके से कैंडिडेट उनको घोषित किया, वो हमारा गठबंधन का वोट बैंक है, वो मुस्लिम और जाट हैं, वहाँ यादव है नहीं, तो अधिकतर बाकी तो और बिरादरियाँ मिलती हैं, लेकिन मेन जो वोट है वो मेन वोट जाट और मुस्लिम का है और इससे गठबंधन और मजबूत होगा। समाजवादी पार्टी ने जयंत के नाम का ऐलान किया और जयंत ने कुछ ही देर में प्रतिक्रिया देकर भविष्य का रास्ता भी साफ कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के मिशन 2024 की सबसे बड़ी रणभूमि है और रालोद की तरफ से अब दोस्ती बढ़ाने का पूरा भरोसा भी मिल गया है। निश्चित रूप से जैसे हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी ने कहा कि नौजवान किसान और कमेरा वर्ग को साथ लेके इसे आगे बढ़ के मजबूत करके उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए जोड़ने के लिए जो गठबंधन बना था 2019 के अंदर फिर 2022 के अंदर, ये राज्यसभा जो आपस में गठबंधन ने तय की है इस चीज़ को ये मजबूती प्रदान करने का काम करेगी। जयंत चौधरी राज्यसभा में भले ही रालोद के सिंबल पर गरजते दिखेंगे, लेकिन उनकी बातों में समाजवाद की छाप भी दिखाई देगी। जानकार इसे अखिलेश का जाटलैंड वाला मास्टर प्लान बता रहे हैं। इसका असर 2024 में साफ साफ दिखाई दे सकता है। जयंत चौधरी किसी भी तरह से राज्यसभा चाहते थे, तो अखिलेश ने उनकी भावनाओं का सम्मान रखा, चूंकि उनको गठबंधन को बनाए रखना है न सिर्फ 2024 के लिए बल्कि 2027 के लिए, चूंकि यूपी में अब पॉलिटिक्स जो हो रही है, बीजेपी की जो स्टाइल है पॉलिटिक्स की, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बना के राजनीति हो रही है और लॉन्ग टर्म गोल टारगेट बनाए जा रहे हैं, तो उस लॉन्ग टर्म टारगेट को देखते हुए अखिलेश ने एक राजनीतिक फैसला लिया। पश्चिमी यूपी समाजवादी पार्टी के लिए कभी उतना फायदेमंद नहीं रहा जितना पूर्वांचल और बाकी का हिस्सा रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी
अगर अखिलेश जयंत को साथ लेकर न चलते तो नतीजे और बुरे आ सकते थे। ये बात अखिलेश बखूबी समझते हैं और जयंत को राज्यसभा भेजने का फैसला इसी समझ का सबूत है। जयंत चौधरी को अगर राज्यसभा नहीं भेजते अखिलेश यादव तो गठबंधन वहीं समाप्त हो जाता। गठबंधन समाप्त नहीं हो जाता, जयंत चौधरी राज्यसभा जाते, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनको भेज दे। अखिलेश यादव ने जयंत को राज्यसभा भेजने का ऐलान कर सिर्फ सियासी दोस्ती भर नहीं दिखाई है बल्कि उनकी सबसे बड़ी कोशिश गठबंधन को जिंदा रखने और उसमें दूसरे दलों को जोड़ने की है, क्योंकि दूसरी तरफ वो भाजपा है जो लगातार छोटे छोटे दलों पर नजर बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता चुनाव के दौरान ही जयंत चौधरी को अपने पाले में आने का ऑफर दे चुके हैं और उनकी निगाह लगातार उस खेमे की ओर है। अखिलेश गठबंधन तो खूब करते हैं लेकिन गठबंधन के सहारे सत्ता तक पहुंचने का इंतजार आज तक खत्म नहीं हुआ। 2014 से शुरू हुआ हार का सिलसिला 2022 तक जारी है। अब बारी 2024 की है जहां फिर गठबंधन वाला गुलदस्ता ही अखिलेश का सबसे बड़ा हथियार होगा। भविष्य के लिहाज से शायद नई परिस्थितियां कोई ऐसी भारतीय जनता पार्टी अगर देखती है तो हो सकता है कि वो कोशिश करे कि जयंत अपनी पार्टी के साथ भाजपा के साथ आ जाएं। इस चीज़ को अखिलेश नहीं चाहते कि ऐसा भविष्य में हो, उनका कोई साथी जो है उनको छोड़ के आगे जाए, दूसरी पार्टी में जाए, दूसरे गठबंधन में जाए। इसलिए उन्होंने जयंत को भेज दिया और साथ में उन्होंने ये भी देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें अगर हमें जीतनी है तो आरएलडी का साथ हमें जरूरी है। अखिलेश के लिए दो नामों पर मुहर लगाना तो आसान था लेकिन तीसरे नाम को लेकर सस्पेंस कायम था और जैसे ही जयंत के नाम का ऐलान हुआ सारी अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने जिन तीन नामों पर पूर्ण विराम लगाया उसमें दूसरा नाम कई लोगों को चौंकाने वाला है। ये नाम है कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे हैं लेकिन बीते कुछ वक्त से वो कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर खड़े थे। कपिल सिब्बल निर्दलीय राज्यसभा जाएंगे लेकिन सहारा साइकिल का होगा। इसमें कई ऐसी बातें हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं और हो सकता है कि धीरे धीरे वो सामने भी आ जाएं, क्योंकि अखिलेश की दिलचस्पी दिल्ली की पॉलिटिक्स में दिखाई दे रही है और सिब्बल इसमें अखिलेश के लिए बड़ा सहारा साबित हो सकते हैं। इस चेहरे को सामने लाकर अखिलेश यादव ने कई सवालों पर एक साथ पूर्ण विराम लगा दिया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या अखिलेश की नजर अब देश की पॉलिटिक्स पर है, और जवाब है हाँ, क्योंकि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजना और उनकी तारीफों के पुल बांधना बेवजह नहीं माना जा सकता। कपिल सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, देश के जाने माने केसेस उन्होंने लड़े हैं, वो लोकसभा में रहे हों राज्यसभा में रहे हों उन्होंने बात को अच्छी तरह रखा है ढंग से। पॉलिटिकल कैरियर भी है उनके पास, एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं। अखिलेश यादव की बातें बहुत कुछ इशारा करती हैं और जो लोग इशारा नहीं समझते उन्हें कपिल सिब्बल ने आसान भाषा में उसी दिन समझाने की कोशिश की थी जब वो नामांकन करने पहुंचे थे। हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं। 24 की लड़ाई से पहले अखिलेश का सिब्बल नाम बहुत ज्यादा चौंकाने वाला नहीं है क्योंकि वो लगातार राष्ट्रीय राजनीति के नजदीक आते दिखे हैं। कभी ममता बनर्जी से राजनीतिक संबंधों को लेकर चर्चा तो कभी दिल्ली में केसीआर से मुलाकात। अब कांग्रेस छोड़ने वाले कपिल सिब्बल को समर्थन देकर अखिलेश ने अनुमानों पर पूर्ण विराम लगा दिया। तो एक किस्म से कहा जा सकता है कि कपिल सिब्बल के तौर पर समाजवादी पार्टी के भीतर केंद्र की राजनीति में पावर सेंटर डेवलप होगा, दिल्ली की राजनीति में एक संसद के भीतर की जो पॉलिटिक्स है वो प्रभावित होगी, संसद के बाहर की राजनीति पर उसका असर पड़ेगा।
जानकार मानते हैं कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने का फैसला करके अखिलेश ने कोई कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत सीढ़ी तैयार की है, क्योंकि कपिल सिब्बल ही वो वकील हैं जिन्होंने आजम खान को जमानत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यानी कपिल सिब्बल आजम और अखिलेश के बीच की दीवार गिराने में अहम किरदार साबित हो सकते हैं। मैं कपिल सिब्बल साहब का तो शुक्रिया बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनके जो सलूक रहा है उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़रूर ही कहना चाहूँगा कि विधाता ने जो उन्हें ताकत दी और जो पावर्स डेलीगेट की, उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ उसका इस्तेमाल किया। सिब्बल का नाम सिर्फ आजम खान तक ही सीमित नहीं है। सिब्बल की एक बड़ी पहचान तो मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों की पैरवी करने को लेकर भी है, और अखिलेश को सिब्बल में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की मजबूत पकड़ दिखाई देती है। और उन्होंने, जाहिर सी बात, ये बात सच है कि कई मुस्लिम लोगों के, जाने माने मुस्लिम लोगों के उन्होंने केसेस को लड़ा है, और वो इस बात को छिपाते नहीं है, वो खुल करके लड़ते हैं, कोई छिपा करके नहीं लड़ते हैं। तो ये उनकी एक फितरत है, उनका एक स्वभाव है। सिब्बल सिर्फ यूपी का मुस्लिम वोट बैंक दिलाने का एक जरिया भर नहीं है। सिब्बल के सहारे तो दूसरे राज्य के गैर कांग्रेसी नेताओं से बातचीत का दौर भी आगे बढ़ेगा। जानकार मानते हैं कि सिब्बल को चुनने के पीछे अखिलेश की राष्ट्रीय राजनीति का सपना भी काफी अहम है। बड़ा विषय है, और दिल्ली में जो समाजवादी पार्टी को, अभी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उत्तर प्रदेश के बाहर समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, तो एक किस्म से कहा जा सकता है कि कपिल सिब्बल के तौर पर समाजवादी पार्टी के भीतर केंद्रीय राजनीति में पावर सेंटर डेवलप होगा। मतलब सिब्बल भले लाल टोपी ना पहने, लेकिन लाल टोपी का रंग गाढ़ा करने में मदद जरूर करेंगे, क्योंकि 73 साल के सिब्बल के पास सियासी ताकत भले कम हो, पर तजुर्बा बहुत ज्यादा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम पर जो तीसरा पत्ता खोला, वो कई सवालों पर पूर्ण विराम लगाने वाला है। सवाल ये थे कि क्या सपा के लिए सिर्फ आजम खान ही सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं? लेकिन जावेद अली को दोबारा राज्यसभा भेजकर अखिलेश ने बहुत कुछ साफ करने की कोशिश की। जावेद अली पश्चिमी यूपी से ही आते हैं, वो संगठन में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। इसके अलावा अखिलेश ने एक बार फिर उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया। जावेद अली का नाम विधानसभा चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव में आजम खान के परिवार से किसी सदस्य का नाम नहीं था। इसका दर्द आजम परिवार को भी हुआ। तो आपको बता दें, आजम खान और अखिलेश की जो बीच में गहमा गहमी चल रही है, जो नाराजगी है, वो लगातार सामने आ रही है। और राज्यसभा में भी आजम खान के परिवार से नाम ना भेजने पर भी मायूसी कहीं ना कहीं दिखाई दी, क्योंकि जो तीन नाम भेजे गए हैं उसमें एक जावेद अली का नाम है, एक कपिल सिब्बल का नाम है, और तीसरा नाम है जयंत चौधरी का। तीन चेहरे और उनमें से एक मुस्लिम। जावेद अली भले सुर्खियों से दूर रहते हों, लेकिन जब किसी भरोसेमंद का जिक्र होता है तो अखिलेश की जुबान पर पहला नाम इन्हीं जावेद अली का आता है। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, वो मुस्लिम चेहरे हैं, और दूसरा, विवादों से दूर रहकर संगठन के लिए काम करते हैं। जावेद अली का कोई बहुत ज्यादा जनाधार हो या समाज में उनकी बहुत ज्यादा पकड़ हो, ऐसी स्थितियां भले भी ना हो, अगर राज्यसभा में तीन में से एक अगर भेजते हैं तो यानी एक तिहाई तो उन्होंने माइनॉरिटी के खाते में डाल दिया। जावेद अली का नाम भले कम लोगों ने सुना हो, लेकिन करीब तीन दशक से वो समाजवादी पार्टी से सच्चे सिपाही बनकर काम करते रहे हैं। राज्यसभा का इनाम उन्हें दूसरी बार मिल रहा है। अप्रैल 1994 में जावेद अली ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। बड़ी बात यह है कि आज तक वो समाजवादी पार्टी से कभी अलग नहीं हुए। मतलब लंबे समय से आम कार्यकर्ता बनकर पार्टी के लिए काम किया। 2006 में उन्हें मुरादाबाद का जिला अध्यक्ष बनाया गया था,
और 2007 विधानसभा चुनाव में वो ठाकुर द्वारा सीट से पार्टी के प्रत्याशी बने। हालांकि पहले चुनाव में जावेद अली को हार झेलनी पड़ी, क्योंकि जिस इलाके में जावेद अली खान को जिम्मेदारी दी गई थी वो उस दौर में बसपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन जावेद अली ने पार्टी के फैसले को सिर आंखों पर रखा। इसका एक उदाहरण 2014 में भी दिखा। जावेद अली खान को 2014 में संभल से प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनका टिकट काट दिया गया। संभल से सपा ने शफीकुर रहमान वर्ग को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो हार गए। बड़ी बात ये थी कि जावेद अली ने बिना विरोध किए पार्टी का फैसला माना और इसका इनाम उन्हें उसी साल मिल गया जब उन्हें सपा ने राज्यसभा भेज दिया। उत्तर प्रदेश की 30-35 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां 20% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, कुछ सीटों पर तो 40-50% के आसपास भी पहुंचती है, तो इस लिहाज से माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन जरूरी था। विधानसभा चुनाव में भी देखिए तो 34 विधायक माइनॉरिटी के जीत के आए। जावेद अली खान वो नेता हैं जो संगठन में मेहनत करके तपे और बिना चुनाव लड़े ही संसद तक पहुंच गए। जावेद अली खान सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं और अखिलेश ने उनके नाम पर मुहर लगाकर इस सवाल पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है कि मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर उनका रोड मैप क्या है। मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों को जावेद राज्यसभा में उठाएंगे। जावेद अली साफ छवि और विवादों से दूर रहने के लिए भी जाने जाते हैं। अखिलेश ने जावेद को दोबारा चुनकर मुस्लिम समाज को बड़ा संदेश दिया है। जिन मुस्लिम नेताओं ने उपेक्षा की बात कही उन्हें अखिलेश ने इस फैसले से जवाब दिया। जावेद के पास जनाधार भले कम हो लेकिन उनकी छवि हर चीज पर भारी पड़ती है। माइनॉरिटी में कोई लीडर इस तरह से नहीं है जिसका एक डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा प्रभाव हो, तो ऐसी स्थिति में जो नाम अखिलेश ने दिया है जावेद अली का, वो नाम ही पर्याप्त है कि भाई जावेद अली एक माइनॉरिटी के व्यक्ति हैं और उनको हम राज्यसभा भेज रहे हैं। अखिलेश यादव को 2022 के चुनाव में मुस्लिम समाज ने एक मुश्त वोट दिया, यानी समाजवादी पार्टी को बीते चुनाव में अगर रिकॉर्ड 32% वोट मिले तो मुस्लिम वर्ग का इसमें बड़ा योगदान रहा और अखिलेश इस बात को न तब भूले थे न आगे भूलेंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, जो तीन नाम राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी ने तय किए हैं उन तीनों नामों पर बहुत सोच समझकर समाजवादी पार्टी की ओर से ये चाल चली गई है। अखिलेश यादव की जो रणनीति है वो साफ दिखाई दे रही है, वो एक बार फिर भाजपा से सियासी युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इतिहास कुछ भी कहता हो लेकिन अखिलेश के सामने अब वो भविष्य है जहां से वो एक नई लकीर खींचना चाहते हैं। राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान कर अखिलेश ने भाजपा को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। हालांकि भाजपा की मजबूती के साथ पलटवार भी कर रही है। तो देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के कौन से वो तीन नाम होंगे इसका इंतजार तो हर किसी को है, लेकिन अखिलेश यादव की ओर से या यूं कह समाजवादी पार्टी की ओर से अपना दांव चल दिया गया है। तीन नाम सामने आ चुके हैं और इन तीन नामों के साथ ही पूर्ण विराम लग चुका है। अखिलेश यादव की रणनीति साफ है, वो लगातार हार तो रहे हैं लेकिन उनके हौसले पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव में हुई हार में भी वो अपनी जीत देखा करते हैं। यही वजह है कि अखिलेश अब राज्यसभा चुनाव में एक नई रणनीति के साथ उतरे हैं। जिस मजबूत फैक्टर ने उन्हें रिकॉर्ड वोट दिलाए उन्हें जावेद अली के सहारे समेटने की कोशिश है, जबकि जयंत और सिब्बल के सहारे 2024 पर निशाना लगाने की कोशिश है। न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी एक किस्म से एक संदेश गया है कि देखिए, एक समाजवादी पार्टी का दिल्ली की राजनीति में एक नया अवतरण हो रहा है, एक प्रादुर्भाव हो रहा है। तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि किस तरह की चीजें आकार लेती है। अखिलेश ने जिनके नाम पर भी मुहर लगाई वो सब सियासत में मंझे हुए हैं। कपिल सिब्बल का अनुभव सबके सामने है, जबकि जयंत और जावेद एक एक बार कार्यकाल संसद में पूरा कर चुके हैं।
देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और पार्टी में भी लोकतंत्र होता है और इसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है कि हमारे 3 प्रत्याशी होंगे, तो निश्चित तौर से कुछ पार्टी के लिए काम करेंगे, अच्छा होगा आगे भविष्य की राजनीति के लिए, तो अच्छी बात है और मैं इनको शुभकामना भी देता हूँ अपनी तरफ से कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता के हित की बात वहाँ करेंगे। अखिलेश की रणनीति हर बार नई होती है लेकिन हर बार उन्हें झटका ही लगता है। भाजपा का दावा है एक बार फिर 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी विरोधियों को हराने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है कि अब बीजेपी की तो चुनौती नहीं बढ़ने वाली। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात कर लिया। अखिलेश के जितने भी चक्रव्यूह हैं सब भाजपा के खिलाफ बुने जाते हैं क्योंकि जब से अखिलेश राजनीति में सक्रिय हुए और अपने दम पर चुनाव में उतरे तब से ही उनका मुकाबला भाजपा से हो रहा है और 2024 का युद्ध एक नया मैदान होगा। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार ताक में है कि 2024 के चुनाव में उसका लक्ष्य अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम एक एक रणनीति उस लक्ष्य प्राप्त की दृष्टि से ही अपना रही है। अखिलेश ने राज्यसभा के 3 प्रत्याशियों के चेहरे साफ कर कई सवालों पर पूर्ण विराम तो लगा दिया लेकिन हर पूर्ण विराम के बाद एक नई लाइन भी शुरू होती है जो भविष्य की दशा और दिशा तय करती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।